आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा डीमिलिटराइज्ड जोन में INS विक्रम आदित्य के बारे में। इस इंडियन नेवी शिप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, हिस्ट्री क्या है, अभी इस शिप के बारे में जो नई एक करंट न्यूज थी वो क्या थी, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने बच्चे भी डिफेंस में जाना चाहते हैं, सही लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस में और ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये वाला कोई भी कोर्स, चाहे वो 1 मंथ का हो, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, मैं मोस्टली बच्चों को रेकमेंड करता हूं 6 मंथ के लिए, और आप ये वाला कोड लगा सकते हैं जिससे आपको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं हर एक बच्चा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो आज की वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे INS विक्रम आदित्य के बारे में। और ये जो वीडियो आ रही है आपकी यहाँ पे डीमिलिटराइज्ड जोन की, जो एक सीरीज चली है, इसमें डिफेंस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें बता रहा हूँ, कोई मिसाइल्स के बारे में, कहीं कमांड्स के बारे में, कहीं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, वो इसलिए ताकि ये जो चीजें हैं, एक तो आपकी डिफेंस के रिगार्डिंग नॉलेज एनहांस करेगी, दूसरा प्यारे बच्चों जो आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत हेल्पफुल होगी, तीसरा SSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो कहीं ना कहीं आपके हर जगह ये सारी की सारी वीडियो बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो जितनी भी है डीमिलिटराइज्ड जोन की, इन्हें जरूर अच्छे से देखा करें हर एक बच्चा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम INS विक्रम आदित्य की। सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं INS विक्रम आदित्य की। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो अगर हम बात करें, ये INS विक्रम आदित्य तक किस तरीके का सफर रहा, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले जो बिल्ट हुआ था, ओरिजिनली जो बिल्ट किया गया था, वो किया गया था बाकू। ठीक है, ये एक बाकू शिप है, अगर हम बात करें इसे सबसे पहले ओरिजिनली बिल्ट किया गया था और इसे प्यारे बच्चों कमीशन किया गया था 1987 में, इसे कमीशन किया गया था। ठीक है, इस शिप को कहां पे कमीशन किया गया था, इसे किया गया था सोवियत यूनियन में। कहां पे? सोवियत यूनियन में सबसे पहले इस शिप को कमीशन किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये जो एक तरीके से ये जो एक कैरियर है, जिसे मैं कैरियर बोल रहा हूं, शिप है जो आपकी कैरियर, ये सर्विस में थी किसकी, सोवियत नेवी की सर्विस में थी सबसे पहले, उसके बाद में रशिया नेवी के सर्विस में आ गई थी, रशिया नेवी के सर्विस में बाद में ये शिप आ गई थी वाकू, अगर हम बात करें। ठीक है, अब इस कैरियर की अगर हम बात करें, ठीक है, इसे कैरियर को परचेस किया गया था इंडिया के द्वारा 20 जनवरी 2004 को। ठीक है, बाद में फिर नेगोशिएशंस हुई थी, बाद में कुछ प्राइस के रिगार्डिंग नेगोशिएशंस हुई थी। ठीक है, जो फाइनल प्राइस रखा गया था वो रखा गया था $2.35 बिलियन, एक फाइनल प्राइस रखा गया था अगर हम बात करें। ठीक है, ये एक फाइनल प्राइस रखा गया था। तो ये शिप जो है सक्सेसफुली, अगर हम बात करें जो INS, बाद में ये INS के लिए मॉडिफाई कर दिया गया था अगर हम बात करें इसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये शिप जो है एक तरीके से सक्सेसफुली इसने अपना जो सी ट्रायल है उसे कंप्लीट किया था जुलाई 2013 में, इसने अपना सी ट्रायल कंप्लीट किया था और एविएशन ट्रायल इसने कंप्लीट किया था सितंबर 2013 में, अगर हम बात करें। ठीक है, उसके बाद इस शिप को कमीशन कर लिया गया था, इस शिप को कमीशन कर लिया गया था 16 नवंबर 2013 में, इस शिप को कमीशन कर लिया गया था और सेरेमनी हुई थी रशिया में, यहां पर इस शिप को एक तरीके से कमीशन्ड किया गया था, यह बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों 14 जनवरी 2014 को, 14 जैन 2014 को जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने फॉर्मली इंडक्टेड कर दिया था INS विक्रम आदित्य को इंडियन नेवी में। ठीक है, 14 जनवरी 2014 को, यह एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है अगर हम बात करें। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीजें रही थी। उसके बाद प्यारे बच्चों ये है आपकी INS विक्रम आदित्य शिप, अगर हम बात करें, ये आपके सामने जो आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, इस शिप का जो मतलब है, इस शिप का जो मीनिंग है, वो मीनिंग क्या है आपको एक पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ब्रेव एज द सन। इसका मीनिंग है प्यारे बच्चों ब्रेव एज द सन, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एक तरीके से INS विक्रम आदित्य है, ये मॉडिफाइड है। अगर हम बात करें एक कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। कीव क्लास एयरक्राफ्ट जो कैरियर है उसका मॉडिफाइड विक्रम आदित्य है, ठीक है। और ये कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये भी सोवियत जो यूनियन था, सोवियत नेवी के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा बिल्ड किया गया था और सोवियत नेवी के द्वारा यूज किया जाता था कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसका मॉडिफाइड है INS विक्रम आदित्य। इसका नाम जो रखा गया विक्रम आदित्य, वो रखा गया जो लेजेंडरी एम्परर थे इंडिया के, जिनका नाम था ऑनर ऑफ विक्रम आदित्य के नाम से, ठीक है। जो एक लेजेंडरी एम्परर ऑफ इंडिया थे विक्रम आदित्य, उनके नाम से इस शिप का नाम रखा गया। इधर मैं लिख देता हूं लेजेंडरी एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनका नाम था विक्रम आदित्य, ठीक है, विक्रम आदित्य, उनके नाम से इस शिप का नाम रखा गया। ये बात दिमाग में रखिएगा, आपको पता होना चाहिए हर एक बच्चे को अच्छे से ये पूरी की पूरी डिटेल, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक अगर हम बात करें। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसके करैक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। इस शिप के जो बिल्डर हैं वो बिल्डर कौन है, किसके द्वारा एक तरीके से ये शिप जो है वो बनाई जाती है, बिल्डर कौन है इस शिप के, इस शिप के जो बिल्डर हैं वो है ब्लैक सी शिपयार्ड USSR एंड सेव मैश रशिया। ये कौन है? ये बिल्डर है इस शिप के। और इस शिप की जो लेंथ है, इस शिप की जो लेंथ है वो लेंथ है 283.5 मीटर, ये बात दिमाग में रखिएगा। और इसका जो बीम है वो बीम है प्यारे बच्चों 598 मीटर, और इसमें डेक कितने हैं, इसमें 22 डेक हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड है प्यारे बच्चों इसकी कुछ प्लस 30 नॉट, ये इसकी स्पीड है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और यहां पे आप जो इसका एक तरीके से देख रहे हैं स्काई जंप, यहां से एक तरीके से जो फाइटर जेट रहते हैं इस तरीके से वो अगर हम बात करें तो एक तरीके से फ्लाई करते हैं, ये इसका जो स्काई जंप है, ये चीज जो स्काई जंप है ये कितने डिग्री में है, ये जो स्काई जंप जो है इसका ये वाला, ये 14 डिग्री में है। कितना है? ये 14 डिग्री में है अगर हम बात करें, ठीक है। इतनी बात दिमाग में रखें। यहां पे ये जो है ये MiG-29 फाइटर जेट जो है एक तरीके से यहां पे फ्लीट ले रहा है अगर हम बात करें। और रिसेंटली अभी की न्यूज है जनवरी मंथ की कि जो हमारा लाइट वेट फाइटर जेट है तेजस, ठीक है, तेजस जिसकी बात करें, तेजस, उसने एक तरीके से INS विक्रम आदित्य के ये स्काई जंप से एक तरीके से फ्लीट किया है अगर हम बात करें। ये एक लेटेस्ट न्यूज है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट एक चीज ये है, जो INS विक्रम आदित्य है वो हमारे इंडिया की एक तरीके से अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, वो लार्जेस्ट शिप इन इंडिया है। अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट या बिगेस्ट शिप इन इंडिया, तो वो आपकी INS विक्रम आदित्य है, ये बात दिमाग में रखिए। लार्जेस्ट शिप इंडिया INS विक्रम आदित्य है। और प्यारे बच्चों इस शिप का जो मोटो है, मोटो क्या है, मोटो की अगर बात करें, मोटो है प्यारे बच्चों स्ट्राइक फॉर, मोटो है इसका स्ट्राइक फॉर, ओके, एंड स्ट्राइक श्योर, स्ट्राइक फॉर एंड स्ट्राइक श्योर, एक तरीके से इसका मोटो है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इसके बारे में था वो डिटेल आपको अच्छे से समझ लगी होगी। हिस्ट्री मैंने पहले बताया किस तरीके से क्या क्या चीजें थी, कब इंडिया में ये कमीशन हुआ था, ठीक है, कितना एक फाइनल प्राइस था जिसमें डीलिंग चल रही थी, और क्या इसकी लेंथ है, क्या इसके बीम है, स्पीड क्या है, कितना स्काई जंप की डिग्री है, कौन बिल्डर है, उसके बाद यहां पे कौन सा ये मॉडिफाइड की प्लस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो है ये मॉडिफाइड है एयरक्राफ्ट कैरियर, मीनिंग क्या है विक्रम आदित्य का, ब्रेव एज द सन, लेजेंडरी एम्पायर ऑफ इंडिया विक्रम आदित्य के नाम से,
इस शिप का अगर हम बात करें, नाम रखा गया विक्रम आदित्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इधर दी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये विक्रमादित्य के बारे में पूरी डिटेल थी। अभी जो करंट न्यूज थी वो ये थी कि जो हमारा लाइट वेट एक एयरक्राफ्ट है जिसे हम एक तरीके से कहते हैं, ठीक है, तेजस, उसने अभी रिसेंटली यहां से स्काई जंप से INS विक्रमादित्य के फ्लीट किया है। ये रिसेंटली पीछे न्यूज आई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए। और प्यारे बच्चों मेरे अनकेडमी प्लस में बहुत अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, और 14 फरवरी से करंट अफेयर एनालिसिस एंड एडिटोरियल एनालिसिस का मैं कोर्स ला रहा हूं। 7 बजे क्लास होगी, सभी बच्चों से ज्वाइन करना, और जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं, ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्यारे बच्चों थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहें, जय हिंद।